Now we call the leader of the opposition, Sir Bill Singh. Sir, please come forward. शुरू करता हूँ खुदाए बबरकत के नाम से जो अब्दाबाद जी का और संगठन करता है। आज जब इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो एकदम मेरे फेसबुक मैसेज पर एक मैसेज आया कि खुदा ने आपकी आवाज़ सुन ली है और वो आपको बरकत देना चाहता है, लिहाजा इस मैसेज को 50 लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि आपको खुशखबरी मिले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर मुसीबत आ जाएगी। ऐसे ही कुछ हालात शायद सदर ईवान के साथ थे कि वो आए तो यही सही आकर लेकिन करारदाद को पेश करना ही भूल गए। वो तो मुबाइसे का अहम रुकन ही भेज गए, मैं बहैसियत कायदे हिज्बे खिलाफ आज के इस ईवान की करारदाद कि सोशल मीडिया एक नेमत है इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। पर आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आज जब इस ईमान में दलाल खत्म होंगे तो आप सब ये मानेंगे कि सोशल मीडिया एक नेमत नहीं है। इस करारदाद का सबसे पहला सोशल जो कि अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं समाज, मीडिया अंग्रेजी जबान का लफ्ज जिसके मायने हैं अलाके मवासला यानी इब्लागे आमा के लिए तमाम से रास्ते के अलाम। एक इंफ्रादियत को जाहिर करता है, नेमत माल दौलत खसूसन वो चीज जो खुदा की तरफ से अता की गई हो है यहाँ जमाना हाल को जाहिर करता है। सदर अली मकान सोशल मीडिया नेमत हो ही नहीं सकती क्योंकि इसने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। वो माँ बाप जो चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने आज वो शनी गुजर की आईडी बनाकर कमेंट पे दिल बनाकर लड़की के प्रोफाइल में जादू की उम्मीद करता है तो मैं कैसे मान लूं कि सोशल मीडिया एक नेमत है। सदर अली बकार वो माँ जो चाहती थी कि उसकी बेटी डॉक्टर बने आज वो डैडीज लीगल एजेंट का प्रोफाइल बना के लिखती है आई डोंट वर्क आई वर्क एट फेसबुक। सदर अली बकार मुझे बताए गाने पाओ शो कि कैसे सोशल मीडिया एक नेमत है। सदर ईवान ने एक बड़ी खूबसूरत बात एक अंग्रेजी का कोटेशन पेश किया कि एवरी नॉट लेकिन मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि एवरी मिस यूज ब्लेसिंग इज अ कर्स। जहाँ पे आप कहते हैं कि यूट्यूब पे अपलोड करके स्टार बना कर जाता है तो यहाँ पे पाई हो रही है स्टार बन गया और इस कॉम को पीछे को देखो पीछे को देखो 70 साल पीछे धकेल दिया तो क्या आप मुझे बताएं कि क्या हमें सोशल मीडिया सोशल मीडिया एक नेमत नहीं है। इन्होंने बात की कि ग्लोबल विलेज पर इंसान एक दूसरे से करीब आ चुके हैं। आज का इंसान किसी के जनाजे में जाने के बजाय कमेंट पे रेस्टिंग पीस लिख देता है, किसी की बीमारी की खबर सुनकर सुन लिख देता है, बर्थडे पे भी किसी को विश नहीं करने जाता, इनको टीवी प्रोफाइल पे HDD लिख देता है। अगर किसी की कामयाबी की कोई खुशखबरी मिले तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखता क्योंकि उसको स्पेलिंग नहीं आती, उसे कॉन्ग्रेट्स लिख के चलता बनता है तो मैं कैसे मान लूं कि हम करेंगे हम तो मूड हो गए और अलामा क्या मूड किया लेने का खुद फरमाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को दर्द दिल से पैदा किया इंसान को वरना अल्लाह के लिए कब ना के करो दिया तो क्या आप मुझे बताएं क्या सोशल मीडिया की नीमत है। आपने जिक्र किया क्योंकि यूट्यूब पर जो है वो बनाकर हम स्टार बन जाते हैं, आपने जिक्र किया क्योंकि हम की कमी है, आपने इस चीज का जिक्र किया क्योंकि बहुत सारी अगर सोशल मीडिया पर आता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाट्सएप पे अतिश करती छोटी खबरें, मेरा आपको सवाल है
व्हाट्सएप पे बंदिश करती हुई झूठी खबरें, वो झूठी कहने की कार क्या वो एक नेमा से अरे क्या कभी और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया नेमत है। आज का नौजवान व्हाट्सएप पे गर्दिश करती झूठी खबरों के ऊपर इंहसार करता है, आप कहते हैं कि सोशल मीडिया की नेमत है। आज का नौजवान हर घंटे में स्नैपचैट की स्पीक भेजता है। आज का इंसान खाना खाने से पहले दुआ करना भूल गया और तस्वीर लेना याद रहता है। इंसान जो है वो ग्लोबल होते जा रहे, हम जाली होते जा रहे, हम हर घंटे तस्वीर बनाकर इंस्टाग्राम पे झूठी अपना लाइफस्टाइल शो करके हम जो है वो रंग भर के चश्मे पहन के हम प्रेयर हॉल पे तस्वीरें खिंचाकर हम समझते हैं, हम किसी भी खड़ी गाड़ी के सामने तस्वीर खिंचवाकर समझते हैं कि हमने बड़ा तत्व में तीर मार दिया है। तो क्या आप मुझे बताएं कि क्या जाली होना नेमत है? क्या खुदा ने जिसने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, क्या उसने हमें इसलिए बनाया था कि क्या इंसान जाली बने? अगर आप ये बात करते हैं सदरेवान के सोशल मीडिया एक नेमत है, तो खुदा आप भी स्नैपचैट के जानवरों वाले फिल्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज सरसा कृषि के दौर में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो फेसबुक पे तूफान बदतमीजी चल रहा होता है, दो मुखालिफ के बीच में जंग हो तो लोग एक दूसरे को फेसबुक पे कीबोर्ड जहादिस बन जाते हैं। मेरी एक और सवाल, आज ट्विटर पे आजों की जंग है, इंस्टा पे हर कोई एक दूसरे से बेहतर फिल्टर लगा के तस्वीर अपलोड करने की रेस में है, तो क्या आप मुझे बताएं क्या इन सब बातों की वजह से सोशल मीडिया एक मेहनत है? बस इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।